जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि एक बस एक सुंदर से रोड के ऊपर से जा रही थी, लेकिन अचानक से यार वो बस गिर जाती है, पलट जाती है, क्योंकि उसके आगे एक पेड़ गिर जाता है। यार भगवान की कृपा से वहां पे जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे वो सही सलामत थे, लेकिन इससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिल जाती है कि मैं भी क्यों ना बस ड्राइवर बनूं, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत होती है इस चीज से। मैं एक्चुअली अपने घर पर बैठा हुआ था, गोविंदा सर की ये वाली मूवी को देख रहा था। पते की बात ये है कि मैं बस का मालिक, इस बस का कंडक्टर बन गया हूँ। ये वाली मूवी पूरी की पूरी बस के ऊपर है, मतलब वो गोविंदा सर उसमें बस ड्राइवर एंड ऑल दैट का काम करते हैं, और उसमें वो काफी अच्छा बिजनेस एंड बिजनेस करते हैं। तो ये मूवी देख रहा था मैं, और तभी मुझे खबर मिलती है कि एक बस भी पलट चुकी है और उसके पैसेंजर्स उसके बाहर वेट कर। तो मूवी को देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिली थी बस ड्राइवर बनने की, और ऐसे ही मतलब उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने की। एंड मैंने खबर देखी कि बस भी गिर चुकी है, तो मुझे उनकी मदद करनी थी। तो ये एक इंस्पिरेशन और मुझे मिल गई थी कि मुझे बस ड्राइवर बनना है। अब यार रियल लाइफ में बस ड्राइवर बनना एक चीप आइडिया हो सकती है, सो इस वजह से हम लोग इस चीप आइडिया को गेम में ट्राई करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में से सस्ते आइडियाज नहीं आजमाने चाहिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है बट पैसा काफ़ी कम होता है। तो रियल लाइफ में तो बस ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन गेम में बस ड्राइवर बनने के अपने अलग मजे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ बस ड्राइवर, वेलकम टू बस सिम्युलेटर। तो गाइज हमने अपनी बस को स्टार्ट कर दिया है, एंड ये देख लो ये है इसका इंटीरियर, काफी ज्यादा सुंदर है, और ये है इसकी लेफ्ट साइड वाली प्रोफाइल, एंड ये है इसकी राइट साइड वाली प्रोफाइल। अब यार ये प्रोफाइल पंथे को बंद करते हैं और फटाफट से चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर बस पलट गई है, और हमको वहाँ के जो कस्टमर्स बैठे थे उनकी सुरक्षा करनी है। सो लेट्स गो। तो यार इस तरीके से मैंने बस ड्राइवर की जॉब तो ले ली थी, और अभी यहाँ पर हमारा मैनेजर बस से उतरता है, एंड जो कस्टमर्स उस पलटे हुए बस से उतरे हुए थे वो हमारे बस में बैठ जाते हैं, और हम लोग अभी उनको सुरक्षित लेकर जाएंगे उनको जहाँ जाना है। तो यार उनकी रक्षा करने के चक्कर में मैं बस ड्राइवर तो बन ही गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना और थोड़ा सा इस बस ड्राइविंग के जर्नी को एंजॉय करा जाए। सो आज का एक नॉर्मल डे था जहाँ पर मुझे बस चलानी थी और कस्टमर्स को बस स्टॉप से उठाकर उन्हें जहाँ पर जाना है वहाँ पर पहुँचाना था, जिससे कि हमको काफ़ी सारा पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने काफ़ी दूर तक के बस चलाई, एंड फाइनली मैं बस स्टॉप तक के पहुंच गया था जहां पर कुछ लोग हमारे इस बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये बंदा उल्टा क्यों चल रहा है भाई। तो फिर से हमारे इस बस का दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक सूट बूट पहन के आदमी खड़ा होता है कस्टमर्स को वेलकम करने के लिए, पैसेंजर्स को वेलकम करने के लिए, और बाकी पैसेंजर्स बैठ जाते हैं। तो देखो यार हमारे पास 40 सीट्स थी बस के अंदर, एंड 40 के 40 सीट्स के टिकट्स हमने बेच दिए, पैसेंजर्स भी 40 बैठे हैं, और सिटी के ही ये 40 के 40 पैसेंजर्स। भाई यार गाँव के क्यों नहीं है यहाँ पर, इस शहर में गांव के लोग नहीं रहते क्या। इसी तरीके से हमारे नॉर्मल दिनों में हम लोग बस चलाते थे, एंड कस्टमर्स को कहे तो पैसेंजर्स को बस स्टॉप से उठाकर उन्हें जहां पर जाना है वहां पर छोड़ देते, एंड जिससे हमको काफ़ी सारा पैसा मिलता था। बट हमारी बस सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स तक की सीमित नहीं थी कि यहां से उठाओ वहां पर पटको, नहीं, हम लोगों ने कंपनीज के साथ टाई अप कर रखी थी, एंड उनको फिर जब जरूरत पड़ती थी एम्प्लॉयज को अपने घरों से उठाकर उनके फैक्ट्री में पहुंचाना है, उनके कंपनीज में पहुंचाना है, तो हम लोग वो वाला काम भी करते थे। लाइक ये एक फैक्ट्री है जिसके साथ हमने टाई अप करा था, तो यार यहाँ पे इन बंदों को ये सामान उस ट्रक में लोड करना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो फिर ये वाला बंदा मेरे को कॉल करता है और फोन मेरे पास आ जाता है, एंड वो मुझसे डिमांड करता है कुछ वर्कर्स को सिटी से उनके फैक्ट्री तक के पहुंचाने के लिए। तो मैं उनको ओके सर बोल के अपनी बस को स्टार्ट कर देता हूँ, एंड फटाफट से चौक में जाके कुछ वर्कर्स को अपने बस में बिठा लेता हूँ, एंड उस गोडाउन तक के लेकर जाता हूँ। तो गाइज यार वो वाली फैक्ट्री आ चुकी है, एंड अभी हम लोग वहाँ पर उस फैक्ट्री में इन वर्कर्स को ड्रॉप कर देंगे और फिर ये अपना काम आराम से कर लेंगे। तो यार इस तरीके से हम लोग बस ड्राइवर बनके काफी सारा पैसा छाप रहे थे। बट फिर एक दिन हमारी बस ऐसे ही चलते चलते खराब हो गई थी, एंड उसके इंजन में से काफी काला काला धुआं निकल रहा था, एंड हमारी बस वहां पर किसी काम की नहीं बची थी। तो यार अगर बस ड्राइविंग हम लोग करते हैं तो पैसा तो मिलता है, बट
है तो वो बस ही, तो वो कभी भी बिगड़ सकती है। एंड जब मैं उसको गैरेज लेकर गया तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा चार्ज कर रहे थे। तो मैंने इन कुछ दिनों में जितने पैसे कमाए थे उतना ही पैसा अब बस को रिपेयर करने में लगने वाले थे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई ये सारी चीज़ें यार। आज की इस वीडियो से हमें एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल चुका है कि ऐसे चिंदी पिंदी आइडियाज़, मतलब ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे बिजनेसेस नहीं करने चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा मोटा आपका पैसों का इनपुट जाए और आउटपुट थोड़ा सा ही मिले। हालांकि बस का बिजनेस एक बहुत ही तगड़ा बिजनेस है, लेकिन उसमें मैन पावर, उसमें मशीनरी पावर काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आपको कुछ सोचना है तो एकदम कूल आइडिया सोचो जिससे कि ये दुनिया चेंज हो सके। विद दैट एपिक नोट फ्रॉम माई साइड, यू कैन सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मेरे तरफ से पीस आउट।